नमस्ते सतरीकाल आदाब हेलो फ्रेंड्स, केम छो? दिस इज किरण गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मॉनसून ख़त्म हो चुका है और अब मेरे फूड ब्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे। और मेरे साथ आज है मोनू, इसको आपने मेरे साथ ट्रैकिंग के ब्लॉग में देखा होगा। मोनू, आज हम लोग क्या खाने आए? आज हम लोग आए हैं घर घर के खाना खाने के लिए। देखते हैं कि मौसी का मटन चिकन मच्छी कैसा है, बहुत से आज खाएंगे। तो हम लोग जो फूड ब्लॉग आज करने वाले हैं वो है मेरा नॉनवेज का ब्लॉग होगा आज। और हम लोग हैं थाने में राम मारुति रोड पे, बहुत ही फेमस रोड है ये। आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसा लाइटनिंग लगाया गया, ये सामने आप देख रहे हो, ये इसके लिए बहुत ही फेमस रोड है, नाम राम मारुति रोड। और उसी रोड पर यहाँ पर एक आंटी बैठती है जो घरगुती खाना बनाती है, जो घर से बना के लाया जाता है और यहाँ पे आके मस्त चूल्हे पे गरम करके देती है। तो अभी हम लोग जाते हैं, क्या क्या आइटम्स हैं नॉनवेज में वो लेंगे और फिर खाएंगे, ठुसेंगे। तो चल देखेंगे क्या क्या है। वैसे यहाँ का जो स्पेशल आइटम है वो है चिकन खलबत्ता। खलबत्ता आपको पता होगा कि एक पत्थर का आता है जिसमें मसाला पीसा जाता है। तो जाते हैं आंटी के पास हम लोग और क्या क्या मेन्यू है वो चेक करते। तो ये है आंटी जिनका मैं जिक्र कर रहा था अपने वीडियो में, इनका नाम है यशश्री बाने। आप 8 साल से लगा रहे, मैंने सुना। आठ साल से इधर में लगा रहे हूँ, लेकिन मेरे को मराठी बोले चले। हाँ चले। हाँ, मला ना जेवण बनवायची पहिला पासून खूप आवड आहे। आमचे ते आमदार होते ना जनार्दन गौरी खारेगावचे, ते आगरी लोकांना कसं खाण्याची सवय असेल ना, त्यांना खाणं ते एक नंबर पंटर। त्यांच्याकडून मी जेवणाचं सर्व शिकले, म्हणजे ते आमदार होते, त्यांच्याकडे काही फंक्शन असेल, हळद असेल, त्यांचे इलेक्शनचं काही काम असतील, तर ते मलाच सांगायचे, ताई तुम्हीच जेवण करा। म्हणजे माझा जर राईस केला ना, तर ह्या टेबलावरून जर राईस असा फेकला तर ते समोरच्या टेबलापर्यंत जायला पाहिजे असा माझा वास्तू मोकळा असतो। त्यामुळे मला तेव्हापासून जेवणाची सवय लागली। मेन्यू काय काय आंटी आपके पास? मेरे पास चिकन मसाला आहे, चिकन खलबत्ता मेरा फेमस आहे, वो मेरा ओन डिश आहे, मैं खुद बनाती हूँ और वो मेरा प्रिपेयर ही मेरा खुद का है। खलबत्ता बोला तो उसमें वो खलबत्ता बोला था तेरा सगवा पीसने का खलबत्ता में कुटने। हाँ, तो उसमें वो मैं बनाती हूँ, वो मेरा बहुत फेमस है और वो ही मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जाता है इधर। सुना आपने आंटी से, यहाँ का जो फेमस है वो चिकन खलबत्ता। चलो हम लोग भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये मटन कीमा है, ये मटन कीमा मसाला है, ये मसाला मिक्सर में करते हैं और ये जो है ये चिकन खलबट्टा है, वो मसाला कूटते हैं। हाँ, प्रॉन्स है यहाँ पे, ये है प्रॉन्स करी और प्रॉन्स का साइज देखिए, प्रॉन्स का साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा है। और क्या बिरयानी भी है ना? बिरयानी है, ये मालवानी वड़े हैं। और ये देखिए, ये है मालवानी वड़े, पता होगा कि ये चिकन के साथ खाया जाता है ये वाला। यहाँ पे है ये चिकन बिरयानी देखिए, और आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा, जो भी मेन्यू है वो आपको गरम गरम मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता है, ये देखो चूल्हा चालू है और उसके ऊपर यहाँ पे हर एक मेन्यू को गरम करके देती है आंटी। और आंटी से हमारा एक अभी बात हुआ, ये पार्टी का ऑर्डर भी उठाते, जैसे आपको घर के लिए कुछ चाहिए या फिर किसी पार्टी के लिए, तो वो भी करते ना आंटी आप? हाँ। तो यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे इनका देखिए कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। आंटी का नाम है यशश्री बाने और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दिया है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देखिए। अगर आपको घरगुती खाना चाहिए तो पार्टी के लिए आप ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्ट करो। हम लोग ने ये ऑर्डर किया, ये है चिकन खलबत्ता, ये मटन कीमा और रोटी। वैसे यहाँ पे भाकरी भी मिलता है बट आज ख़त्म हो गया चपाती। आज चपाती यहाँ पे, हाँ सॉरी चपाती। और ये खाने के बाद, खलबत्ता और मटन कीमा खाने के बाद देखते हैं हम लोग
बिरयानी भी लेंगे, बिरयानी खाने करेगा तो बिरयानी। और ये देखिए, ये है आंटी का, ये एक फूड स्टॉल है ये सामने, और ये पूरा, ये जो पूरा रोड है ये है राम मारुति रोड, और आंटी का जो एड्रेस है, हम लोग अभी जिधर खड़े हैं ये है बैंक ऑफ बड़ौड़ा। तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारे पीछे है बैंक ऑफ बड़ौड़ा, ये सामने स्टॉल है, आप वहाँ पे गाड़ी वहाँ पे भी लगा के खड़े रह के खा सकते हैं, बट हम सोचे यहाँ पे इस जगह पे आराम से खड़े रह के खाए। क्या बोलता है मोनू, आ जा इधर, खड़े रह के खाना है बैठ के खाना है तेरे को? ऐसे वो बैठेंगे तो ठीक रहेगा। तो बता, बैठ के खाना खाते हैं? पहले तू ट्राई करेगा कि मैं ट्राई करूँ? ट्राई कर तू। मैं ट्राई करूँ? तू पहले। मैं अभी ट्राई करते हैं, पहले करेगा चिकन कलकत्ता। वैसे मैं बता दूँ कि पूरे मुंबई में ये जो चिकन कलकत्ता है ये मैंने कहीं सुना नहीं, ये कुछ नया है जो ये आंटी के मुंह से मैंने सुना कि ये चिकन कलकत्ता, और मैंने ट्राई करता हूँ, टेस्ट करता हूँ। बहुत भारी है। अच्छा। हाँ मतलब बोलते ना, मतलब नाम जैसा वैसा है। सीरियसली बहुत भारी, मतलब इनका स्पेशलिटी के चूल्हे के ऊपर बनाते हैं, और सीरियसली वही टेस्ट आ रहा है पूरा। और अभी मैं ट्राई करता हूँ मटन कीमा। मटन कीमा भी अच्छा है, थोड़ा सा स्वीट है, पर कलबट्टा बेस्ट, कलबट्टा बेस्ट है मोनू। मोनू अब तू ट्राई कर भाई। पूरा जैसा लग रहा है गांव में खा रहे है ना, एकदम जैसे चूल्हे के ऊपर बनाया पूरा। गांव के जब चूल्हे बनाते हैं ना। अरे आंटी का फेमस है ये इसके लिए, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही इनका सारा आइटम बनता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से खाते, खाने के बाद देखते पेट में जगह रहा तो थोड़ा बिरयानी भी खाएंगे भाई। और बिरयानी पूरे मुंबई में ये एक ही जगह है जहाँ पे चूल्हे के ऊपर बनाया जाता है, तो वो भी हम ट्राई तो करेंगे ज़रूर। तो अब हम ये ख़त्म करते फिर बिरयानी लेते। और अब हम लोग ने ये ऑर्डर किया, ये है चिकन बिरयानी वैसे प्लेट में, और मोनू यहाँ पे भाजी और चपाती ख़त्म कर रहा है। और इसका जो भी प्रॉपर एड्रेस है मैं ये बिरयानी ख़त्म करके आगे बताता हूँ आपको। फॉइल का प्लेट था उससे हम लोग ने ये प्लेट पे पलट दिया बिरयानी, और अब बिरयानी टेस्ट करता हूँ कैसा हूँ वो भी बताऊँ, कैसा है वो बताता हूँ आपको। अच्छा है, मतलब पूरा टेस्ट से समझ में आ रहा है कि जैसे चूल्हे के ऊपर बनाया गया, और ये मुंबई का मात्र एक ही जगह ऐसा मैंने सुना है या मैंने अभी तक देखा है जहाँ पे चूल्हे के ऊपर बिरयानी बनाए। और टेस्ट अच्छा है, मोनू को भी ट्राई कर। कार्ड फिर मोनू कैसा लगा खाना खा के? बहुत मस्त हो गया, वैसा लग रहा था सोने को मिल गया। हाँ यहाँ पे देखो खाली है, यहाँ पे कोई तकिया और कट्टा लगा देता हम इधर ही सो जाए ना। और अब आपको मैं आपको प्रॉपर एड्रेस बता देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ का फेमस है राजमाता वड़ा पाव, ये जो सेंटर है सामने वड़ा पाव का, ये है राजमाता वड़ा पाव सेंटर। और ये पूरा रोड है राम मारुति रोड, ये दिवाली के लिए बहुत फेमस है, देखो कितना जगमग जगमग पूरा दिख रहा है। और यहीं पे जो राजमाता वड़ा पाव सेंटर, उनके सामने ये आंटी का स्टॉल है, और मेरे पीछे है बैंक ऑफ बड़ौड़ा। टाइमिंग बता दो ना। 5 बजे से 10 बजे। और संडे? संडे को 2 टाइम, सुबह में आती 11 बजे 2 बजे तक रहेगी, फिर शाम को वापस आती। तो 5 बजे से 9 बजे तक? 10 बजे तक। यहाँ का आपने टाइम भी सुन लिया, और अब मैं और मोनू यहाँ से प्रस्थान करेंगे। चलो और अब यहाँ से कल्याण गाड़ी चला के जाने का। मेरे को तो आ रहा आलस, अब तू चलेगा क्या? मुझे तो पीछे बैठने का अच्छा आदमी लगता है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया है तो कमेंट में बताइए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या क्या करना है, शेयर करो। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।